तो हे गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। और आज के इस ब्लॉग में कुछ तो नया होगा। सो गाइस, आज के इस ब्लॉग में शेयर करने वाले हैं हम कि हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो आ रहे हैं धीरे धीरे अच्छे। सब्सक्राइबर की स्पीड जो हमारी थी पहले वो काफ़ी ज़्यादा स्लो थी, बट अभी के टाइम में सब्सक्राइबर हमारी काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से आ रहे हैं। और अब हमारी दोस्तों सेकंड पेमेंट भी आने वाली है यूट्यूब से, ठीक है। तो उसको भी मैं रिवील करूँगा अपने चैनल के ऊपर। आई थिंक वो आ जाएगी टाइम से, पता नहीं इसमें टाइम लगेगा, एक हफ्ता और लगेगा, तीन चार दिन, मतलब एक हफ्ते के अंदर अंदर आ जाएगा। उस वीडियो का फुल वॉच करना और देख के बताना कितनी पेमेंट आई है, उसमें मैं रिवील भी करूँगा और कितने व्यू पे आई है वो सारी पेमेंट सारा बताऊँगा, ठीक है। तो वो मैं लाइव दिखाऊँगा बैंक में ले जा कर के कि कैसी आई है पेमेंट, ठीक है। तो आप उस वीडियो को फुल देखना। तो गाइस, बहुत टाइम से ना मैं सोच रहा था कि मैं आई प्रो मतलब ट्राईपॉड निकाल के उससे रिकॉर्ड कर लूँ, क्योंकि हाथ में रखने से मेरे को काफ़ी ज़्यादा पेन होने लगता है, मतलब मैं थक जाता हूँ हाथ में रखने से। तो ये फिर मैं अपना ट्राईपॉड, ये मेरा ट्राईपॉड है, अब मैं सोचता हूँ इससे मैं शूट करूँ, क्योंकि इससे स्टैंड भी है, ये स्टैंड भी हो जाता है इसका, ये स्टैंड भी खुल जाता है। तो अभी इस ट्राईपॉड से शूट करेंगे, तो इसमें लगा के देखो कैसी क्वालिटी आ रही है, मतलब कितना फ़र्क पड़ रहा है ट्राईपॉड लगा के आपको कैमरा जिससे जब आप रिकॉर्ड करते हो ब्लॉगिंग बनाते हो, तो कितना फ़र्क पड़ता है वो आप देखना। अभी तक तो सारे वीडियो, अभी तक तो जो वीडियो हुई थी पीछे की वो सारे हाथ से हुई थी, उसमें हाथ मेरा दिख भी रहा था, बट अब इससे करूँगा तो देखना इसमें कैसा आ रहा है, इसमें अच्छा आ रहा है या उसमें आ रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो देखो इस ट्राईपॉड से कैमरा लगा कर रिकॉर्ड करने से कितना फ़र्क पड़ जाता है गाइस, कितना अच्छा लग रहा है। मतलब मेरे हाथ में भी काफ़ी ज़्यादा पेन होने लगता था इस आईफोन, मतलब ऐसे हाथ फोन पकड़ करके जब वीडियो बनाते हैं तो हाथ बड़ी जल्दी थक जाता है, फिर जब आप ट्राईपॉड लगा के पकड़ते हो ना तो मतलब काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है और वीडियो भी थोड़ी अच्छी बनती है। वैसे साइड में हाथ आ रहा होता है जब हम हाथ से रिकॉर्ड करते हैं, और ट्राईपॉड से देखो ये सब नहीं आ रहा। अभी मैं ट्राईपॉड से कर रहा हूँ और आपको हाथ दिखाई नहीं दे रहा होगा, क्योंकि मेरा हाथ आईफोन के नीचे जो स्टैंड है ट्राईपॉड के जो है उसको नीचे से पकड़ रहा हूँ। तो ठीक है, अभी देखो कैसा लग रहा है, ये फ्रंट कैमरे से भी कितना अच्छा आ रहा है देखो ट्राईपॉड लगाने के बाद वीडियो। तो ट्राईपॉड से रिकॉर्ड करना ब्लॉगिंग बहुत अच्छी आती है, ठीक है। गाइस साहब, ये देखो ट्रेन आई है यहाँ से, कितना अच्छा लग रहा है। तो ये हो रहा है आईफोन के बैक कैमरे से वाइड एंगल में शूट, आप ये देखना कितना अच्छा कवर कर रहा है और कितनी अच्छी वॉइस इसमें वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। अब मैं देखता हूँ इसको, अभी तक तो मैं फ्रंट के ऊपर टेस्ट कर रहा था, अब मैं कर रहा हूँ इसके बैक कैमरे से रिकॉर्ड। तो बैक कैमरे की क्वालिटी कैसी है? वैसे वाइट एंगल में जब हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं ना तो हमारे कैमरे की जो क्वालिटी है वो ख़राब हो जाती है, और अगर आप 1x के ऊपर रिकॉर्ड करोगे आईफोन में तो वो क्वालिटी बनी रहेगी, क्वालिटी ख़राब नहीं होगी। तो अब मैं देखता हूँ, ठीक है, और क्वालिटी देख के बताना किसकी अच्छी आ रही है, वाइट एंगल में या फ्रंट कैमरे में या 1x में। सो गाइस, ये सिनेमैटिक्स मोड में लिया गया वीडियो, देखो कितना अच्छा लगा। मुझे आईफोन का मोड पता नहीं था, इसमें ये वाला मोड भी है जिसमें पीछे का बैकग्राउंड पूरा धुंधला हो जा रहा है, देखो। तो दोस्तों, सुरकेश हमारे लिए लेके आई है पनीर की सब्जी और चावल। पार्क में बैठ के खाना खा रहे हैं, सुबह सुबह किसी ने खाना नहीं खाओगा पर मैं खाना खा रहा हूँ, देख लो। और ये मेरे सारे गैजेट पड़े हैं, ये नेक बैंड पड़ा है क्योंकि वीडियो एडिट करते टाइम इसकी ज़्यादा जरूरत पड़ती है मुझे, वो ट्राईपॉड है, वो पानी का बोतल है, उसमें मेरा सामान है, वो सब सामान पड़ा हुआ है। सर सच बताओ ना, सुरकेश की एक खासियत है जो हर चीज़ मेंटेन बड़ा आसानी से कर लेती है, और सबके साथ साथ चाहे मैं जहाँ भी रहूँ, जिस तरीके से भी रहूँ या कहीं दूर भी चला जाऊँ, वो दूर रहकर भी है ना मेरा बहुत ध्यान रख लेती है। मतलब इतना ध्यान मेरा पहले मम्मी ने रखा था, अब मम्मी का जैसा ही मुझे कोई मिला है, आई विश कि ऐसा ही मुझे नेक्स्ट टाइम अगले जन्म में भी मिले, मैं तो यही चाहता हूँ। बस यही अच्छी खासियत, बहुत बहुत उसकी खासियत है कि मतलब कि कभी भी है ना, जब जब वो मेरे पास रहती है ना तो कभी भी मेरे को ऐसा महसूस ही नहीं रहता किसी चीज़ की मुझे कमी है, और ध्यान तो मेरा इतना ज़्यादा रखती है कि क्या बताऊँ। और मतलब सुबह उठ के मतलब काम पे जाना है ना, तो 3-4 बजे उठ करके सारे घर का खाना बना लेगी, मतलब घर में जिसको खाना देना है, मम्मी को देना है, पापा को देना है, जो भी जिम्मेदारी है उसकी A to Z सारी अपनी ख़त्म करके
फिर वहाँ से मेरे को फोन, फिर मेरे को उठाइए बेड से, फिर बोलेगी चलो काम पे चल रहा है। तो मैं बस ज़्यादा कुछ नहीं करता, मैं उठने के बाद मुँह हाथ धोया और नहा लिया, बनी बनाई चाय मिल जाती है 5 बजे, सारा कुछ फिनिश काम, बर्तन बुर्तन सारा कुछ धो लेती है, पोछा भी मार देती है घर में, पापा को चाय भी बना देती है, पराठे भी बना देती है 5 बजे। मतलब मैं बहुत ज़्यादा किस्मतमंद मानता हूँ अपने आप को, बट मैं उसके सामने जता नहीं पाता कि मैं उनसे कितना कनेक्ट हूँ। बट सच में यार मैं उनसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट हूँ, मैं थैंक यू बोलूँगा भाई, थैंक यू बोलूँगा उन्हें कि बस मेरी किस्मत है कि इतनी अच्छी मेरे को एक पार्टनर मिली है। आई विश कि ऐसा मुझे हमेशा मिले और लॉन्ग टर्म मेरे साथ ही रहे, कभी मेरे साथ से दूर ना जाए, और अगले जन्म में भी यही हो मेरे पास, मैं तो ये बोलता हूँ। सो बाय, कैसे भी वीडियो लाइक शेयर कमेंट प्लीज़ बताना और सपोर्ट भी करना। सो बाय दोस्तों।